Today we are going to make a Rava Vanilla Cupcake. To celebrate this new year, humne socha ki chalo kuch naya banate hai for all our diabetic patients, jo ki usko mazze se kha sake and without any tension and without increasing their blood sugar level. Lekin sabse pehle, hamare channel ko subscribe kare. Naye recipe videos ki update ke liye bell icon press kare. Channel par maujood playlist par click kare. Diabetic treats select करें और पाएं नए tasty diabetic recipes. So आइए बनाते हैं रवा वैनिला कपकेक. उसके लिए मैंने यहाँ पे 150 ग्राम रवा लिया है. यहाँ पे मैंने एक 15 ग्राम बटर लिया है. यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी, जो मैंने बटर लिया है ये नॉन सॉल्टेड बटर लिया है. अगर आप सॉल्टेड बटर लेते हैं तो आपको नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, बट नॉन सॉल्टेड बटर यूज़ कीजिए, बिकॉज सॉल्टेड बटर कंटेंस लॉट ऑफ सॉल्ट. और जब भी हम नॉन सॉल्टेड बटर यूज़ करते हैं तो हम सॉल्ट हम अपने हिसाब से डाल सकते हैं. थोड़ा सा नमक, शुगर फ्री सुक्रालोज मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी. यहाँ पे मैं दो एग वाइट यूज़ करूँगी, सिंस ये एग येलो इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर डायबिटिक पेशेंट. मिल्क, बेकिंग पाउडर 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा वैनिला एसेंस. तो आइए बनाते हैं रवा कपकेक. सो एक बोल लिया है जिसमें मैं यहाँ पे रवा डालूँगी. यहाँ पे मैंने बारीक रवा लिया है. ट्राई टू फाइंड आउट बारीक रवा, क्योंकि उससे हमारे जो कपकेक है वो अच्छे बनेंगे. बेकिंग पाउडर यहाँ पे लूँगी मैं. ऑलमोस्ट 1.5 वाटी रवा लिया है, मतलब 150 ग्राम. सो यहाँ पे मैं शुगर फ्री एक ऑलमोस्ट 4 टेबल स्पून शुगर फ्री सुक्रालोज यूज़ करूँगी. बटर, मैंने बटर को थोड़ा सा विस्क किया है ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए. एग वाइट यहाँ पे मैं डालूँगी और थोड़ा सा वैनिला एसेंस डालूँगी. वैनिला एसेंस इज ऑप्शनल, अगर आपको नहीं डालना है तो ये आपके ऊपर है. थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी और इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क डालते जाना है. देखिए, नाउ हमारा बैटर इज ऑलमोस्ट रेडी. मैंने ऑलरेडी अवन को प्री हीट करने के लिए रख दिया है 5 मिनट्स के लिए. हम इसमें इसको हम पोर करते हैं. अभी हम इसको अवन में एक 15 टू 20 मिनट्स के लिए 180 डिग्री सेल्सियस के लिए बेक करने के लिए रख देते हैं. इसको अवन से निकाल लिया है. सो नाउ इट्स रेडी. सो हमारे रवा वैनिला कपकेक इज रेडी. इट इज़ मेड अप ऑफ प्योर रवा. इसमें मैंने कुछ भी मैदे का या कुछ भी ऐसे स्वीट चीज़ नहीं ऐड किया है जो कि हमारे डायबिटिक पेशेंट्स नहीं खा सकते. यहाँ पे वन चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि हाँ, मैंने थोड़ा सा बटर इसमें यूज़ किया है. सो आप इसको डेली बेसिस पे नहीं खा सकते, बट येस यू कैन ईट इट फ्रिक्वेंटली. डजेंट कॉज योर शुगर्स टू राइज एंड इट विल नॉट कॉज योर कोलेस्ट्रॉल ऑल्सो टू राइज. थैंक यू.